नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। वैक्सीन की धीमी गति और कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचे और एरवा कटरा सीएचसी में जिला संयोजक वैक्सीनेशन ऋषि पांडे के नेतृत्व में सभी लोगों से निवेदन किया गया कि ज्यादातर लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन में हिस्सा लें और वैक्सीन लगवाए, जिससे कि कोरोना की तीसरी लहर से बचा जा सके। वहीं वैक्सीनेशन अभियान में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाजपा आनंद सिंह समेत तमाम लोग मौजूद रहे हैं। सभी लोग इस कार्यक्रम में पूरी तरह एकजुट होकर पूरे कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और सम्मिलित होने के साथ साथ जितना अधिकतम सहयोग हो सकता है उस दृष्टि से हर जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी कम से कम 3 वैक्सीनेशन केंद्रों पर जाकर हेल्प डेस्क के माध्यम से सहयोग भी करेगा। सहयोग के साथ साथ वहां किसी चीज़ की असुविधा या अनुपलब्धता है उसको सुनिश्चित करने का काम भी करेगा। इसमें सबसे बड़ा क्या है कि एक हमारी भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व द्वारा हम लोगों को जो ऊपर से बताया गया है कि हम लोगों को हमारे जो युवा कार्यकर्ता हैं पदाधिकारी हैं वो गांव बूथ स्तर तक जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। जैसे कहीं कोई दूध डेयरी है तो वहाँ पर बहुत से दूधिया लोग आते हैं, उनका नंबर कलेक्ट करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको मोटिवेशन कार्यक्रम करेंगे उनके लिए, और जहाँ पर कोई मंदिर है गांव में, कोई प्राइमरी पाठशाला है, वहाँ उनको एकत्रित करके वैक्सीन को लगवाना है, ये उनको समझाएं ताकि उनका समाज वो सब सुरक्षित रहे। फिलहाल इतना ही। देशभर की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।